फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की निकली भर्ती के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो नोटिफिकेशन में जानकारी है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि सारी जानकारी मिल सके। इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, तो उसकी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे हम ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एस नाविक, आपका नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक की 1/2022 की बैच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ऑनलाइन 2 जुलाई 2021 से 10 बजे से 16 जुलाई 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं शाम को 6 बजे से। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, मेल इंडियन सिटीजन है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रिस्क्राइब, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है, इन सब की जानकारी मैं आपको डिटेल से दूंगा। पर इन सब की बात करने से मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी या वीडियो अपडेट लेकर आता रहता हूँ हमारे चैनल लर्निंग टाइम के माध्यम से। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए, आपको देखिए नोटिफिकेशन भी दिख रहा है, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि नाविक है जनरल ड्यूटी के लिए, आपका 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, जिसमें मैथ हो और साथ में फिजिक्स हो। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका, जैसे काउंसलिंग बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE द्वारा। नाविक डोमेस्टिक आपका ब्रांच है, 10वीं क्लास पास होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेम। यांत्रिक पर इसमें 10वीं दे रखा है, यांत्रिक आपका क्लास पास होना चाहिए आपका, एजुकेशन बोर्ड आपका काउंसलिंग होना चाहिए सेम। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए साथ में, ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक या टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें रेडियो पावर इंजीनियरिंग इन ड्यूरेशन 3 या 4 साल का आपका कोर्स होना, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन से, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए 10+2 पास फ्रॉम आपका, या फिर आपका होना चाहिए इसी का यांत्रिक का है, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड पर आपका काउंसलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन से, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेम यहाँ पे, जिसमें आपका ड्यूरेशन होना चाहिए 2 से 3 साल का, अप्रूव बाय ऑल इंडिया काउंसलिंग से होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे आपका लिस्ट, आपका इक्विवेलेंट, आपका जो डिप्लोमा फॉर आपका रिक्रूटमेंट यांत्रिक कैडर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक आपको नीचे दिखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाए, मैकेनिकल इंजीनियर का दर आपका, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन का दर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आपका पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपका, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है। मैकेनिकल में यहाँ पे मैरीन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, मरीन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, मैकेनिकल इंजीनियर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियर, शिप बिल्डिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग की बात करें तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी आयु जो दे रखी है फ्रेंड 18 से 22 दे रखी है, ठीक है, नाविक की यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर आप 31 जनवरी 2004 के बीच में आयु होनी चाहिए, ठीक है। नाविक बीवी की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में होनी चाहिए। SC ST 5 साल, 3 OBC साल का आपका OBC का है। वैकेंसी यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, आपकी नाविक आपकी GD की जनरल ड्यूटी की 108 है, यूआर कैटेगरी में टोटल 260 है आपके। बाकी वैकेंसी यहाँ पे नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच की यहाँ पे 23 है और 5 आपकी इकोनॉमी सेक्टर, बाकी आपको डिटेल देखने में 50 वैकेंसी है। यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे डिटेल दे रखी 20, 13, 7 वैकेंसी है, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे आपको डिटेल देखने वाले। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन रिक्रूट विल बी ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट लिस्ट बनेगी, जो परफॉर्मेंस टेस्ट 1, 2, 3, 4 होगी, ठीक है, जिसका नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, मैं बता दूंगा। स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा। पोस्ट अप्लाई आपको दे सकते हैं नाविक DV, ठीक है, सेक्शन 1। यहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स होंगे 30, ठीक है, पासिंग मार्क्स 30 होंगे UR इकोनॉमी सेक्टर OBC के। SC के लिए आपको 27 रखे गए हैं। नाविक GD सेक्शन 1 और 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 2 हैं,
आपके 30 हैं आपके फर्स्ट के लिए, 20 हैं आपके सेकंड के लिए, 50 हैं यूआर कैटेगरी में, 27 प्लस 17 44 है सीएसटी कैटेगरी, पासिंग वन पासिंग इन सेक्शन वन एंड टू सेपरेटली कंपलसरी। तो यहाँ पे आपको दोनों में पास होना जरूरी है, मैंडेटरी है जो नंबर दे रखे हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में सेक्शन 1-3 यहाँ पे आपको दे रखा है, 30-20-50 पासिंग वन एंड थ्री सेपरेटली पास होना चाहिए। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 1-4 है यहाँ पे, 30 और 20 है, 50 आपको दे रखा है सेम यहाँ पे इसी तरीके दे रखा है, पासिंग होना जरूरी है। यांत्रिक मैकेनिकल 1 और 5 है, 30 और 20 है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे बात करें आपके वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, सेक्शन 1 डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन मैक्सिमम आपके सेक्शन 1 में देखिए आपके मैक्सिमम 60 है, टाइम आपको 45 मिनट रहेगा, आपका नंबर क्वेश्चन जो होंगे 60 रहेंगे। सब्जेक्ट अलोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं 20 मैथ के, साइंस के 10 हैं, 15 इंग्लिश के, रीजनिंग के 10 हैं और जीके के 5 हैं। तो पासिंग मार्क्स आपके 30 हैं और एससी कैटेगरी के 10 हैं, आपका क्लास 10th का सिलेबस रहेगा। सेक्शन 2 में देख सकते हैं मैक्सिमम 50 हैं, टाइम ड्यूरेशन 30, नंबर क्वेश्चन 50, 25 मैथ 25 फिजिक्स आपको सेम यहाँ पे 20 आपको दे रखा है, 17 यहाँ पे आपको दे रखा है कैटेगरीज वाइज, यूआर के 20 हैं, 17 आपके एससी एसटी के, क्लास आपका 12th के मैथ और फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। सेक्शन 3 मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं, 30 मिनट 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 50 हैं, यूआर कैटेगरी 20 और एससी की 17 है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सिलेबस रहेगा। सेक्शन 4 मैक्सिमम आपके 50 रहेंगे, 30 रहेगा आपको मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे आपका 30 मिनट का समय दिया गया, नंबर को 50 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यूआर का 20 है और 17 आपके हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिलेबस रहेगा। सेक्शन आप 5 है, 50 रहेंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स, 30 मिनट 50 आपका क्वेश्चन होंगे मैकेनिकल इंजीनियर का, 20 यूआर, 17 आपके रहेंगे, डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियर का सिलेबस रहेगा। तो ये है कुछ इस तरीके से आपके सिलेबस आएंगे। क्वेश्चन पे आपका सेक्शन पे 1, 2, 3, 4, 5 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको करेक्ट आपका आंसर देना होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। आपको सिलेबस का 1-4 आपका आईसीजी वेबसाइट पे मैं बता दूंगा कहां पर आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पे। कैंडिडेट स्कोरिंग मार्क इन सेक्शन 1 एप्लीकेबल ओनली फॉर नाविक जीडी, ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन 1 है वो आपका जो है नाविक जीडी के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे यांत्रिक के लिए, नॉट आपका यांत्रिक नाविक डीबी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंट इन क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 10th आपका फॉर आपका नाविक डीबी, 12 फॉर जीडी, डिप्लोमा फॉर यांत्रिक एज पर द अप्लाई एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपको विदाउट राउटिंग आपको यहाँ पे आपका काउंट किया जाएगा, 3 दशमलव के तक काउंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट इन ऑर्डर इन एज विल बी हायर मेरिट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे बता रखा है क्या क्या आपको दे रखा है। स्टेज 2 यहाँ पे आपको जो स्टेज 1 थी और ठीक है, और स्टेज 2 की बात करते हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, ई एडमिट कार्ड होगा। स्टेज 2 विल बी इशू एज अ वैकेंसी अवेलेबल, रेशियो डिसाइड बाई आईसीजी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में आपका पास या फेल होगा, यहाँ पे आपको दे सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या है, यहाँ पे आपको ऑल कैंडिडेट एडवाइस टू प्रोसेस स्पोर्ट्स आपका सूट टी शर्ट ट्राउजर में पहन के आए, 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करनी है 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट आपको लाने उठक बैठक और 10 पुशअप लगानी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका और पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दे रखा है, जो कि ऑल इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो कि मैच होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, लाइक जैसे आपकी 10th 12th डिप्लोमा है, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन तक की वैलिड होगी, ठीक। यहाँ पे आपकी जो वैलिड होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करेंगे 30 अप्रैल 2022 तक की आपकी मिसमैच होती है तो यहाँ पे आपका कैंसिल कर दिया जाएगा एस्टेप फिजिकल वेरिफिकेशन पे स्टेज 2 के समय, ठीक है। इनिशियल मेडिकल आपका एग्जामिनेशन है जो कि पास या फेल होगा, जो कि आप दे सकते हैं, कैंडिडेट या तो परमानेंटली अनफिट होगा या टेम्परेरी अनफिट होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी आ रही है तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं आपका अपील मेडिकल कंप्लीट 21 डे इफ परमानेंटली अनफिट या 42 डे टेम्परेरी अनफिट, तो आफ्टर कंप्लीट इनिशियल मेडिकल नो फर्दर रिव्यू। तो यहाँ पे आपको जैसे स्टेज 3 है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टेज 1 स्टेज 2 द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि ई एडमिट आपका कार्ड होगा। स्टेज 3 फाइनल मेडिकल और आपका एनएचएल का होगा विल बी इशू
एज पर द वैकेंसी अवेलेबल रेशियो डिसाइड करेगा आपका आईसीजी। ड्यूरेशन स्टेज थ्री वन या टू डे स्टेज इन्वॉल्विंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जिसमें आपका दे सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है जो मैंने ऊपर बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपका फाइन एंड मेडिकल INS चिल्का पे होगा तो यहाँ पे आप दे सकते सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाए आपका पॉलिस वेरिफिकेशन अदर एसोसिएट फॉर्म, ठीक है। स्टेज फोर यहाँ पे आपको दे रखा है तो कैंडिडेट वो क्लियर स्टेज थ्री रेजिडेंट ऑफ मेरिट वैकेंसी अवेलेबल द प्रीवियसली शॉर्टलिस्ट INS चिल्का द कैंडिडेट सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट कैरिड आउट द इंडियन कोस्ट गार्ड कैंडिडेट विल बी टर्मिनेट द फॉर्म द सर्विस डॉक्यूमेंट एज रिपोर्ट नॉट जेन्युइन, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको दे रहा है हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है। 2 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे आवेदन कर 16 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी दे रखी है, आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप फोन नंबर भी दे रखा है तो उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का एप्लीकेशन आ रही है तो उसके बारे में दे सकते हैं क्या क्या है उनके बारे में, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। लेफ्ट थंब है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, क्लास 10 का है सर्टिफिकेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होनी चाहिए, अगर आपके दे सकते हैं लेस देन 18 साल के हैं तो आपके सिग्नेचर साइन है फादर मदर के गार्जियन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 12th के मार्कशीट है तो ये सब आपको यहाँ पे बता रखा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इनके बारे में दे रखे हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक। एग्जामिनेशन की फीस की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये फीस है और जो कि जनरल आपके रहेगी और एग्जाम्प्ट रहेंगे SC ST कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे आपको उनके लिए एग्जाम्प्ट रखा गया है तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका एग्जामिनेशन जो है आपका आएगा तो दे सकते हैं मिड एंड या सितंबर 2021 में होगा, ठीक है। तो उनकी स्टेज वन स्टेज टू आपका अक्टूबर और फरवरी द्वार आपका रहेगा अर्ली फरवरी 2023 या 2024 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में दे रखा है, रिजल्ट के बारे में दे रखा है। रिजल्ट ईच स्टेज आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 1, 2, 3 आपका जो एक्सेस आपको लॉग इन कर सकते हैं। एग्जाम स्टेज वन आपका विल वन आउट टेंटेटिव 30 डे, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ईच स्टेज के यहाँ पे बता रखा है, एक एक के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब है आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक। और अगर आप चाहें तो इन डिटेलों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको लगभग सारी जानकारी बता दी, ट्रेवल एक्सपेंस है बाकी है यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड इनके सिलेबस पर जाने की, तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे जॉइंट पे आपको जाएंगे यहाँ पर नाविक या GD पे जाएं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते थे कि GD के लिए अप्लाई करना चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेबस से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट साइकिल ट्रेनिंग पे अलाउंस सारी चीजें यहाँ पे भी वो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका आप सिलेबस देखना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जॉब प्रोफाइल है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है तो ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मॉडल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी ICG के बारे में, मैंने आपको बताया इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।